द ब्लू अम्ब्रेला। रस्किन बॉन्ड ने यह कहानी सन 1980 में लिखी थी। यह कहानी उत्तराखंड गढ़वाल के एक छोटे से गांव की है। इस कहानी में एक बिनिया नाम की लड़की अपने भाई बिज्जू और माँ के साथ रहती है। उसके पिता नहीं हैं और वे बहुत गरीब हैं। उनके पास बस कुछ खेत और गाय भैंस हैं जिनसे वे अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं। एक दिन बिनिया अपने गाय भैंस चराते हुए देखती है कि कुछ लोग पिकनिक मनाने आए हैं। वह उनके काफी करीब चली जाती है क्योंकि उसे उनके पास एक बहुत ही खूबसूरत छतरी दिखती है जो नीले रंग की होती है। तभी उन लोगों में से एक महिला उठकर उसके पास आती है और कहती है कि वह बिनिया के गले में पहनी हुई माला को खरीदना चाहती है। दरअसल बिनिया ने अपने गले में एक माला पहनी होती है जिसमें बाघ का नाखून होता है जो कि बहुत शुभ माना जाता है। बिनिया अपनी माला देने को राजी हो जाती है, पर वह कहती है कि बदले में उसे उनकी नीली छतरी चाहिए और वह महिला माला के बदले बिनिया को नीली छतरी दे देती है। नीली छतरी पाकर बिनिया बहुत ही खुश हो जाती है। वह अपनी छतरी को हमेशा अपने पास रखती है। जहां जाती उसकी छतरी उसके पास होती। सारे गांव में सभी बच्चे उसकी छतरी की दिन रात तारीफ करते क्योंकि ऐसी खूबसूरत छतरी पूरे गांव में किसी के पास नहीं थी। कभी कभी बच्चे उससे छतरी मांगते और वह दे भी देती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। अब मौसम बदलता है और बरसात शुरू हो जाती है। बिनिया अपनी छतरी को लेकर हर जगह घूमती रहती है। उसकी छतरी का रंग कुछ फीका भी हो जाता है, पर बिनिया का अपनी छतरी के प्रति प्यार ज्यों का त्यों रहता है। इसी गांव में टिहरी शहर को जाने वाली सड़क पर एक चाय की दुकान थी जिसका मालिक राम भरोसे था। उसको बिनिया की छतरी बहुत पसंद थी। उसने कई बार बिनिया से उसकी छतरी खरीदनी चाही, पर बिनिया ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं अपनी छतरी नहीं बेचूंगी, मुझे इससे बहुत प्यार है। राम भरोसे की दुकान में एक लड़का काम करता था। उसे मालूम था कि राम भरोसे उस नीली छतरी से बहुत प्यार करता है, वह उसे खरीदना चाहता है। तो वह राम भरोसे से सौदा करता है कि अगर मैं तुम्हें वह छतरी लाकर दे दूं तो क्या तुम बदले में मुझे 3 रुपए दोगे? राम भरोसे ने कहा ठीक है। इसके बाद उस लड़के ने मौका देखकर एक दिन बिनिया की छतरी चुरा ली, लेकिन बिनिया के भाई ने उसे देख लिया और पकड़ लिया और उसे बहुत मारा और वहां पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। और जब उस लड़के से पूछा गया कि उसने छतरी क्यों चुराई, तो उसने सारा इल्जाम राम भरोसे के ऊपर डाल दिया। उसने कहा कि राम भरोसे ने उसे धमकी दी थी कि अगर वह छतरी नहीं चुराएगा तो वह उसे काम से निकाल देगा, और इस बात पर पूरे गांव ने यकीन भी कर लिया, हालांकि राम भरोसे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। और धीरे धीरे गांव वालों ने राम भरोसे की दुकान पर जाना बंद कर दिया क्योंकि उस पर चोरी का इल्जाम लग चुका था। और धीरे धीरे राम भरोसे की आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हो गई। उसने अपनी दुकान के लड़के को तो पहले ही निकाल दिया था, और अब राम भरोसे अपनी दुकान पर अकेला, गुमसुम, उदास और दुखी बैठा रहता था। बिनिया जब भी अपने भाई के साथ उसकी दुकान के पास से गुजरती तो उसे बहुत बुरा लगता था। उसे लगता था कि राम भरोसे की आज जो भी हालत है वह उसकी वजह से है। एक दिन बिनिया राम भरोसे की दुकान पर टॉफी खरीदने के लिए जाती है। बिनिया के पास उसकी वही नीली छतरी भी होती है। राम भरोसे उसे देखकर सोचता है कि कहीं या मुझे अपनी नीली छतरी दिखाकर चिढ़ाना तो नहीं चाहती, या फिर खोटा सिक्का लेकर तो नहीं आई। बिनिया टॉफी खरीदती है और वहां से चली जाती है। राम भरोसे देखता है कि बिनिया की नीली छतरी उसकी दुकान पर छूट गई, जिसे राम भरोसे खुद बहुत प्यार करता था। वह चाहता तो उस छतरी को ले सकता था। फिर वह सोचता है कि वह तो पूरे दिन दुकान में बैठा रहता है, कहीं बाहर तो जाता ही नहीं, ना धूप में ना बारिश में, वह इस छतरी का क्या करेगा। और वह बिनिया को आवाज लगाता है, बिनिया तुम्हारा छाता यहाँ छूट गया है, इसे ले जाओ। बिनिया कहती है कि मुझे वह छाता नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। राम भरोसे कहता है कि तुम्हें यह छाता क्यों नहीं चाहिए, यह पूरे गांव में सबसे खूबसूरत छाता है। बिनिया जवाब देती है कि छाता ही सब कुछ नहीं होता, और बिनिया वहां से चली जाती है। राम भरोसे उस छतरी को पाकर बहुत खुश हो जाता है। जब भी गांव के लोग उसके पास वह नीला छाता देखते तो पूछते,
कि तुम्हारे पास ये छाता कहां से आया? तो वह कहता कि यह खूबसूरत छाता बिनिया ने उसे तोहफे में दिया है। और धीरे धीरे राम भरोसे के ऊपर लोगों का भरोसा दोबारा शुरू हो जाता है और लोग उसकी दुकान पर आना भी शुरू कर देते हैं, जिससे यह होता है कि राम भरोसे की दुकान पहले जैसे चलने लगती है और उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होने लगती है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बहुत होती है, जिसकी वजह से बच्चे, बूढ़े और सभी चाय पीने के शौकीन होते हैं। और जब भी बिनिया अपने भाई बिज्जू के साथ राम भरोसे की दुकान में चाय पीने जाते तो वह उनकी चाय में ज्यादा शक्कर और दूध डालकर देता था। अब राम भरोसे की दुकान की छत पर एक कद्दू की बेल थी, जिस पर एक कद्दू पक रहा था। वहां पर रात को एक भालू खाने की तलाश में आता है। वह दुकान की छत पर कद्दू खाने के लिए चढ़ता है और उसका एक नाखून टूट कर नीचे गिर जाता है। सुबह राम भरोसे अपनी दुकान के बाहर उस नाखून को देखता है। भालू का नाखून बाघ के नाखून से भी ज्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए राम भरोसे को सोचकर उस भालू के नाखून को एक चांदी के लॉकेट और चेन में फिट करवाता है, जो बहुत खूबसूरत होता है। और जब शाम को बिनिया जंगल से अपनी गाय भैंस को चराकर वापस आ रही होती है तो राम भरोसे बिनिया को आवाज लगाता है, ओ बेटी बिनिया, जरा इधर तो आना। जब बिनिया उसके पास आती है तो राम भरोसे उसे वह लॉकेट दिखाता है। बिनिया को वह लॉकेट बहुत पसंद आ जाता है। बिनिया कहती है कि उसके पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है। राम भरोसे बोलता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, वह उसे वैसे ही रख ले। बिनिया उस लॉकेट को पाकर बहुत खुश हो जाती है और बिनिया उस लॉकेट को लेकर अपनी गाय भैंस के साथ खुशी खुशी शाम होने से पहले अपने घर पहुंच जाती है। राम भरोसे बिनिया की उस खुशी को, उस मुस्कुराहट को जिंदगी में कभी नहीं भूल पाता। इस कहानी में बिनिया के किरदार से हमें यह पता चलता है कि जिंदगी में दया, प्यार, जिम्मेदारी, इंसानियत कितनी जरूरी है। हालांकि बिनिया को वह नीली छतरी बहुत पसंद थी, लेकिन वह उस नीली छतरी को राम भरोसे को दे देती है और जिसकी वजह से गांव के लोग उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं और वह अपने मुश्किल समय से बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो आपको खुशियां मिलेंगी, आपके साथ अच्छा होगा। यह कहानी हमें यही सीख देती है।